एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 22 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि केंद्र ने, ये सैटरडे की क्लास का रिवीजन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, फोर्ब्स ने हाल ही में रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार को बताया है, महतारी वंदना योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है, एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 शुरू हुआ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला गौ अभ्यारण्य ये बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा फेस्टिवल ओडिशा में शुरू हुई है, रिसेंटली भारतीय सेना ने इंड टू इंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम संभव विकसित किया है, नए मतदाता पंजीकरण पोर्टल जिसका नाम है नमो ये लॉन्च किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, माय स्कूल माय प्राइड अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने की है, रिसेंटली ताइवान के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं लाई चिंगते। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सैटरडे की क्लास में देख ही लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल पहला है कि हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर, जो राम मंदिर बनने जा रहा है, मतलब बन चुका है ऑलरेडी, इस पर डाक टिकट जारी किया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मंदिर पर एक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट संग्रह में भगवान श्री राम, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी की छवियां शामिल है। इसमें राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और विश्व स्तर पर भगवान राम की विशेषता वाले टिकटों के लिए एक बुक भी लॉन्च की गई है। 48 पेजेस की ये जो बुक्स है, इसमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा जैसे 20 से अधिक देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा डाक टिकट ये शामिल है। रिसेंटली लॉन्च किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आज 22 तारीख है, शुभ अवसर है जब भगवान श्री राम मंदिर की, रामलला का जो उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में होने जा रहा है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी है ही। जैसे जैसे इससे न्यूज बनेंगी मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूंगी। तो प्राइम मिनिस्टर की यदि मैं बात करूं तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये वाराणसी हो जाएगा। इन्होंने अध्यक्षता की थी G20 की, जो कि भारत ने होस्ट की थी। थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा एक लॉन्च की गई किताब है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर, ये आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से एक सवाल है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मतलब कि इन्हें एक प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका नाम आप लोग बताएंगे। एक अवार्ड और मैं आप लोगों को यहां से ऐड करके बता देती हूं, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इसके पहले विजेता, हालांकि ये जो अवार्ड है ना, इसकी शुरुआत ये लास्ट ईयर की गई थी 2023 में ही, हालांकि 2022-23 में भी पहले इसके विजेता जो चुने गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुने गए थे। अब लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के पहले विजेता ये थे, दूसरा अवार्ड यानी कि दूसरी बार ये अवार्ड मिला है लता मंगेशकर की जो बहन है आशा भोसले, इन्हें, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की यदि बात करूं तो इन्हें सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, इसने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है। और इस ऑनर से यानी कि साउथ अमेरिका के इस देश सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय भी बनी थी। यदि मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ की तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें रिसेंटली लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया, माफ कीजिएगा, भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड इन्हें मिला है। बातों बातों में मैंने इसका आंसर ही दे दिया जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था। ये जो लोकमान्य तिलक है ना, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला है, जबकि मैं अंबेडकर अवार्ड की मैं बात करूं तो ये मिला है योगी आदित्यनाथ को। अमित शाह जी ये हमारे गृह मंत्री तो हैं ही, साथ ही सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है ये गृह मंत्री ही करते हैं, जो कि अमित शाह हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का भी अनावरण किया। इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात का गांधीनगर है। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? रामलला की मूर्ति 2 दिन पहले ही जारी की गई, मतलब इसकी छवि जारी हो गई थी। इसके जो डिजाइनर है, वास्तुकार है, ये हो जाएंगे अरुण योगी राज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 में, मतलब कि इनकी फोटो तो जारी कर दी गई थी लेकिन इसका उद्घाटन होना यानी आज ही के दिन होगा।
रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, एक तरफ हनुमान जी, दूसरी ओर गरुण देवता है। खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम के 5 वर्ष के बाल लला, बाल अवतार को दिखाया गया, आप कह सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महासचिव चंपत राय है, जो कि ऑप्शन रे लिखा है, चंपत राय होगा ये, जो कि ऑप्शन डी में मैंने लिख रखा है। विमल पटेल की यदि मैं बात करूं तो जो हमारी नई संसद, माफ कीजिएगा, इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है इसके डिजाइनर विमल पटेल हैं। और इसके अलावा जो मैं संसद भवन आपको रिलेट करके बता ही रही थी, जो नया संसद भवन बना है इसके भी डिजाइनर विमल पटेल हो जाएंगे। राम वी सुतार, ये है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की, इनके ये डिजाइनर हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग एक हफ्ते पहले आप लोगों के लिए ये जो ईयरली ई बुक लॉन्च की गई थी, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023, कुछ हिस्सा इसका जनवरी 2024 का कवर किया गया था, ये लॉन्च की गई थी, इसका आज लास्ट डेट है। ठीक है, आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों के द्वारा काफी पसंद भी की गई। जो स्टूडेंट रह गए हैं इस ई बुक को परचेस करने से, तो उन्हें मैं बता दूं लास्ट डेट है। आप कैसे परचेस कर सकते हैं, क्यूआर कोड आपको दिया गया है, क्यूआर कोड के अलावा यूपीआई आईडी जनरेट की गई है, कुछ नहीं करना है। इस यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड में आपको पे करना है 49 रुपीज, और इस 49 रुपीज का जो स्क्रीनशॉट होगा इस व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैंने आप लोगों के लिए जारी किया था, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। जैसे ही आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट आएगा, टीम के द्वारा तुरंत ही आपको ये ई बुक का मतलब पीडीएफ फॉर्मेट ही है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि आपके घर तक बुक पहुंचाई जाएगी, हिंदी में है, मैं आपको बता दूं तो आपके किसी भी एग्जाम, वन डे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी को छोड़कर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो आज लास्ट डेट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईडीसी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया है कि 2023 में स्मार्टफोन के मामले में, यानी कि श्रेष्ठ स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बनी है। आंसर इसका हो जाएगा एप्पल। एप्पल अमेरिकी कंपनी आप सभी जानते हैं, 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को इसने पीछे छोड़ा है और शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनी है। कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, और जारी करता ये रिपोर्ट जारी की गई है आईडीसी, यानी कि इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये जो कंपनी है एप्पल, इसने 2023 में कुल 236.4 मिलियन मोबाइल यूनिट्स बेचे हैं, जो कि सैमसंग से 8 मिलियन यूनिट्स ज्यादा है। आप देख लीजिए, हर किसी के हाथ में आईफोन आपको दिखाई देगा। आईफोन रखना पहले के टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन नहीं, अब कॉमन हो गया है आईफोन रखना। सबसे ज्यादा यूनिट्स बेची हैं 2023 में आईफोन ने, तो ये अमेरिकी कंपनी हो जाएगी। इसी एप्पल ने अपना जो पहला स्टोर है भारत में, ये ओपन किया है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। सैमसंग ने भी अब इसका जो स्टोर तो नहीं कहूंगी, इसका जो सबसे बड़ा कारखाना है सैमसंग का, ये ओपन किया गया था कहाँ, भारत में 2018 में इंडिया में ही ओपन किया गया था। और साउथ कोरिया की कंपनी है, ये भी आपको रिलेट कर ही लेना है। यहां से 2018 हटा देती हूं, वरना आप जब पीडीएफ पढ़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे कि क्यों मैंने मेंशन किया है। और लिनोवो और वीवो, ये दोनों ही आपकी चाइनीज कंपनी हो जाएंगी। आगे चलते हैं, किस राज्य में नोवा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल मैं आपको नागालैंड से रिलेट करके बताती थी, ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, यहाँ 18 से 20 जनवरी तक ये मनाया गया है। इसे राज्य का महोत्सव घोषित किया जा चुका है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये पक्के टाइगर रिजर्व के भीतर वन्य जीव संरक्षण, विशेष रूप से हॉर्नबिल पर जोर देता है। पक्के टाइगर रिजर्व जो है, ये हॉर्नबिल प्रजातियों का घर है, जिसमें लुप्त प्राय वेयरथेड हॉर्नबिल शामिल है, और महोत्सव का उद्देश्य इनके संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक, नेशनल पार्क में मोलिंग नामदफा, पक्के तो आप रिलेट कर ही सकते हैं, कामलांग टाइगर रिजर्व। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो असम से रिलेट करेंगे तो यहाँ अंबुबाची फेस्टिवल कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है। इसके अलावा बिहू फेस्टिवल, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। रिसेंटली जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है, ये मनाया गया है मकर संक्रांति के मौके पर तमिलनाडु में। और केरल से आप रिलेट कर सकते हैं ओणम फेस्टिवल।
आगे चलते हैं। हाल ही में क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, स्टार लगा लीजिए। हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का पांचवा देश कौन बना है? तो रिसेंटली जो जापान है, ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पांचवा देश बन गया है। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, इसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये पांचवा देश, तो इसके पहले चार है, अमेरिका, सोवियत संघ, रशिया, चाइना और भारत। अभी चौथा बना था 2023 में, है ना, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है। जापान की जो स्पेस एजेंसी, इसका नाम जक्सा हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, देखिए जापान के प्रमुख चार द्वीप में आप पढ़ते हैं होंशु, क्यूशु। होंशु द्वीप पर ही इसकी राजधानी टोक्यो है। क्यूशु, सिकोकू और हकाइडो। करेंसी इसकी येन हो जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हो जाएंगे। आप ये रिलेट कर सकते हैं, G7 समिट जो है ये आयोजित की गई थी जापान में ही, जापान के हिरोशिमा शहर में इसका आयोजन किया गया था। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एज अ गेस्ट यहां पर शामिल हुए थे। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं जापान से? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें कि विस्फोट देखने को मिला था। जापान की एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है नाओमी ओसाका, ठीक है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? इसी जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है, इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 6 अगस्त और 9 अगस्त का दिन आप रिलेट कर सकते हैं। 6 अगस्त जब अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम ये फेंका था जापान पर, और 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा फैट मैन नामक परमाणु बम ये फेंका गया था जापान पर। दोनों ही आप रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू हमने देख ही लिया है। अमेरिका को आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, एक मून मिशन जिसका नाम है आर्टमिस 2 जिस पर ये वर्क कर रहा है। चाइना से आप क्या रिलेट करेंगे हाल फिलहाल में? अच्छा, चाइना के एक न्यूज हमने पढ़ा था कि मिथेन बेस्ड दुनिया का पहला रॉकेट है, जो कि ये चाइना ने ही लॉन्च किया था। और भारत चंद्रयान 3 ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है 23 अगस्त 2023 को, मतलब सफलतापूर्वक लैंड कर गया था इस दिन। तो भारत सरकार ने 23 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में SSB यानी कि सहस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? रिसेंटली दलजीत सिंह चौधरी, ये रिसेंटली बने हैं SSB के महानिदेशक। ये 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं। 2025 तक ये अपने पद पर रहेंगे और ये अनीस दयाल सिंह का स्थान ले रहे हैं। SSB की स्थापना 1963, स्थापना नई दिल्ली। ये जो अनीस दयाल सिंह है ना, ये CRPF के महानिदेशक है। राहुल रसगोत्रा ITBP, CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हो जाएंगे नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां बनेगा? तो देखिए, राम मंदिर चर्चे में है ही, इसी बीच न्यूज आई है कि ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है ना पर्थ, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने जा रहा है। पर्थ में बनने वाला ये जो राम मंदिर है, दुनिया का सबसे ऊंचा होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 721 फीट होगी। ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो ICC मेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो भारत ने होस्ट किया था, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, ये जो पेट कमिंस है दिसंबर 2023 में, माफ कीजिएगा कर्मिस में लिख दी, पैट कमिंस दिसंबर 2023 के लिए ICC ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर कह दिया मैंने गलती से, ये प्लेयर ऑफ द मंथ होंगे। इसके अलावा मिशेल स्टार्क का नाम रिलेट करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया से ही है, जो कि IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है हिंदू मंदिर अमेरिका में। और अब देखिए, एक हिंदू मंदिर UAE का पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। भारत में आज रामलला का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, यदि हम भारत में बात करें तो एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। कहाँ का है? बैंगलोर का ये एयरपोर्ट है। ये पुरस्कार केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से दिया गया है।
हालांकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप कह सकते हैं, जिसे सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कह सकते हैं, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट यही हो जाएगा। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट 100% सोलर एनर्जी से संचालित पहला एयरपोर्ट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या आप रिलेट करें तो ये अयोध्या में है। अगला प्रश्न है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हालांकि राजस्थान ने ऐसी घोषणा की थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार है और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। जनगणना बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ मेल खाती है, जिसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकार का लक्ष्य है 28 जनवरी 2024 तक जनगणना को पूरा करना, और इसके लिए ये पूरी तरह से जोर शोर से लगी हुई है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी ये हो जाएगी अमरावती, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश की तो राजधानी चेंज हुई थी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में हम बात करें तो ये हो जाएगी विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री सेम है जगन मोहन रेड्डी, ये अभी भी चेंज नहीं हुए। एडीआर ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ये जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है। और समान नागरिक संहिता वाला देश का दूसरा राज्य गोवा के बाद ये है उत्तराखंड। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, इसकी राजधानी चेन्नई में। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था ना, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा एडिशन इसका आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में। तीसरा एडिशन इसका असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। चौथा एडिशन इसका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। और पांचवा एडिशन अभी 2023 में होस्ट किया था मध्य प्रदेश ने, जिसमें कि पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर था। अब जो छठवा एडिशन लॉन्च हो रहा है, इसे तमिलनाडु होस्ट करेगा, जिसकी कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, राज्यपाल आर एन रवि हो जाएंगे। अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई थी, करंट से ही आप रिलेट कर सकते हैं। लीड्स रैंकिंग 2023 में जो राज्य टॉप पर है, ये तमिलनाडु ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला एडिशन था, ये दिल्ली ने होस्ट किया, जिसमें टॉप पर हरियाणा। 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा ने होस्ट किए थे, इसमें टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। ये भी 2023 का है, अभी तो जनवरी शुरू हुआ है, तो 2024 का जो स्पोर्ट्स का अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। स्टैटिक रिविजन हम कर लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना किया था महात्मा गांधी ने, यानी कि लौटा दी थी इन्होंने। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। ईरान का नेपोलियन कहा जाता नादिर शाह को गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने शुरू की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। भारत में पहला सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। कल आपसे पूछा गया था विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी, तो आंसर इसका आर प्रज्ञानंद था। आज का सवाल आपका है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।